Hello guys and welcome to my YouTube channel. So today we will learn how to create and verify your account in the Binance. तो सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में जो भी फर्स्ट लिंक है आपने उस लिंक पर क्लिक करना है और आप तो उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ये जो डिस्क्रिप्शन में कोड है इसमें मेरा रेफरल आईडी भी है। ये जो मेरा रेफरल आईडी है उसमें तो इसमें आपको भी 10% कमीशन जो किकबैक है वो आपको मिलेगा और आपको जो अकाउंट खोलेंगे तो उसके बाद मुझे मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इस अकाउंट से चेक कर सकते हैं, अपने अकाउंट बना ले। अगर आपके अकाउंट में डेली कुछ ना कुछ मेरे जो पोर्टफोलियो है उससे ऐड हो जाएगा, जो भी कॉइन मैंने बाई किया है उसमें जो मेरा कमीशन है 10% वो आपको मिलेगा यहाँ से। इसके बाद में सिंपली आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और फ़ोन से ईमेल से भी कर सकते हैं। तो मैं ईमेल से कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर ईमेल डाल देता हूँ एलेक्स हान। और जो आपने पासवर्ड देना है तो आपने सिंपली पासवर्ड जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डेमो अकाउंट है मेरा। तो सिंपली आपने अकाउंट यहाँ पर जो अकाउंट आप पासवर्ड बनाएंगे तो उसमें ज़रूर एक कैपिटल वर्ड एंड एक शॉर्ट वर्ड, जैसे कि लेट्स से एल कैपिटल हो गया एंड ई एक्स जो है वो स्मॉल हो गया। इसके बाद आपने 077 एंड इसके बाद आपने हैश दे देना है। तो ये आपने पासवर्ड कुछ इस तरह से भी दे सकते हैं। आप इसको हटा दें और यहाँ पर आप स्टार लगा दें एंड एक वन वर्ड कैपिटल, जैसा कि यहाँ पर ये लोग दिखा रहे हैं, यहाँ से आप भी। इसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है नीचे। लेट्स क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपने ये फजल सॉल्व करने हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके बाद आपने ईमेल जो ईमेल डाला था उस पर वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। तो लेट्स चेक और ईमेल आ चुका है। इसमें कोड है 123123950, तो ये यहाँ पर डाल लेते हैं 123950 नंबर पर क्लिक करते हैं। इसके बाद 950 ये ईमेल वेरिफिकेशन हो रहा है। इसके बाद आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद आपने प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर से आपने बाइनांस सर्च कर लेना है। तो ये जो फर्स्ट वाला है आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। लेट्स ओपन। आपने लॉगिन पर आना है और आपने आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आपने वेरीफाई करना है अपने अकाउंट को। अपने अकाउंट को किस तरह से वेरीफाई करते हैं चलो ये देखते हैं। और बाइनांस का जो इंटरफेस है उसको इस तरह है। इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अकाउंट को किस तरह वेरीफाई करते हैं तो आइडेंटिटी वेरीफिकेशन पर जाते हैं। इसमें आपने जो अपना मोबाइल नंबर है वो भी ऐड करना है या टू फैक्टर से भी आप कर सकते हैं।
एसएमएस वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन ये हो जाएगा। और इसके बाद आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो स्मार्ट कार्ड होना लाजमी है, और पासपोर्ट अगर दूसरे ममालिक से है तो पासपोर्ट से भी आप कर सकते हैं, वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। वेरिफिकेशन आप आईडी कार्ड, पासपोर्ट इससे कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने जहाँ पर भी है आप वो सेलेक्ट करें, और आप यहाँ से सर्च करेंगे, जैसा कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान को सेलेक्ट करें। वो बैक का जो बटन है वो लग गया था, सॉरी। आपने यहाँ से पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन है, अगर आप वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो आपका जो विड्रॉल लिमिट है वो भी साथ साथ इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद आपने वेरीफाई नो पर क्लिक करना है। वेरीफाई नो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी आप का जो आइडेंटिटी कार्ड है उसमें जो फर्स्ट नेम है वो आपने देना है। एलेक्स खान दे देते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम कर लेते हैं, बस कोई भी सेलेक्ट करें। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। पर्सनल एड्रेस भी कुछ दे दें और पोस्टल कोड। तो ये मैं दे देता हूँ, उसके वीडियो को मैं स्किप कर लेता हूँ। यहाँ से आपने जो भी स्ट्रीट एड्रेस है, पोस्टल कोड है और सिटी है, आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिए हैं। वो जैसे ही आप वो एड्रेस देंगे और पोस्टल कोड देंगे तो आपका बेसिक जो वेरिफिकेशन है वो कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने अपग्रेड लिमिट पर क्लिक करना है, नीचे जो वाला जो है अपग्रेड लिमिट पर आप क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आपने सिंपली अगर पासपोर्ट से भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और इंग्लिश जो स्मार्ट कार्ड है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आप स्मार्ट कार्ड से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम नेशनल आईडी कार्ड सेलेक्ट करते हैं और इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपने इस इंस्ट्रक्शन को देख लेना है। आईडी कार्ड का जो फ्रंट है वो पिक्चर होगा और एक जो है एक बैक का होगा। तो सिंपली आपने जो अपलोड फ्रंट है वो यहाँ पर आपने अपलोड कर लेनी है, और बैक को आप यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। जो इन्होंने बताया है वो उसी तरीके से आप अपलोड करेंगे। तो इसके बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपका फेस वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपने अपने मोबाइल से फ्रंट कैमरा खोल लेना है, और उसके सामने जैसे ही आप देखेंगे तो वो वेरिफिकेशन आपके फेस के करेंगे। तो मेरा जो ऑलरेडी हो चुका है, अब दोबारा नहीं होगा सेम आईडी पर, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। और अगर आपको कैमरा सामने होगा वो कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे कि ब्लिंक योर आईज आर एनीथिंग, और वो आपको कह सकते हैं कि अपने सर को हिलाए और दूसरे आंगों को, तो आप वो करेंगे, उसके बाद वो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो लेट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका अकाउंट किस तरह से होगा, लेट्स वो देखते हैं। बेसिक यहाँ पर आपके बेसिक वेरीफाई हो चुका है, लेट्स इस अकाउंट को लागू करते हैं। वेरिफिकेशन के बाद किस तरह से भी आप आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वो फेस का वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आपके अकाउंट के सामने वो बेसिक था और ये इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो सिंपली ये थी पूरी वीडियो। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।
एंड प्रेस द बेल आइकन। आल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो में कोई भी मसला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।